हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 11 अप्रैल घर से भी निकला हूँ मैं, पीछे घर है और उसके बाद मैं जा रहा हूँ ईदगाह। चलते हैं 2024 11 अप्रैल बृहस्पतिवार। तो अभी चलते हैं, मैं रास्ते में निकला हूँ। रास्ते का व्लॉग बनेगा और पूरी ईदगाह का व्लॉग बनेगा। जैसे भी जैसे चलते रहेंगे, देखते रहिएगा, पूरी व्लॉग एंड तक देखिएगा। मुरादाबाद ईद 2024। भाई इस वक्त मैं सड़क पे आ गया हूँ, सड़क देखिए बाहर आ गया हूँ, घर से मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ पर संबल रोड पर आ गया हूँ। और मेरे पीछे देखिए सब शांति है। अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ मैं। चलते हैं, देखते हैं फिर आज क्या होगा। हर साल की वीडियो बनती है, पिछले भी साल की बनी थी। चलते हैं। अभी तो कोहिनूर तिराए पे पहुंच रहा हूँ भाई, बहुत दूर आया मुझे तो। अभी भीड़ कम ही है, गलियों से निकल रहे हैं। अब जब मैं पहुंचूंगा तो देखना ज़्यादा दूर तक इतनी भीड़ होने जाएगी। अभी आज इस बार ईदगाह में 2 बार नमाज होगी, क्योंकि सड़कों पर नमाजों को रोक दिया गया है। तो एक 8 बजे होगी और 8 बजे वाली पहली जो नमाज होगी वह हम उसमें शामिल होऊंगा। अभी 7 बज रहे हैं और उसके बाद 9 बजे वाली नमाज में शामिल होंगे। मिलते हैं। यहाँ से थोड़ी थोड़ी भीड़ शुरू हो गई है, अभी पहुँचते हैं धीरे धीरे। मिलते हैं अभी रास्ते में, भी चल रही भीड़। इस वक्त 7:15 हुए हैं, 7:15 पे चलते हैं। मैं गली नंबर 6 पर पहुंचा हूं, फिर देखते हैं धीरे धीरे। अभी यहीं से भीड़ शुरू हो जाएगी। मिलते हैं। यहाँ से गली नंबर 6 से ही ना स्टार्ट हो गई है भीड़ पूरी। तो थोड़ी थोड़ी भीड़ आज जल्दी लोग ज़्यादा पहुँचेंगे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से मोटा सा हो गया इस बार ना, पिछली बार साल से। तो अभी मैं गली नंबर 1 पर पहुँच गया हूँ दोबारा। अब देखते हैं, यहाँ से मोटरसाइकिल का रास्ता बंद कर दिया है, भीड़ अभी स्टार्ट ही है। पहुँचेंगे धीरे धीरे भाई साहब, 2-3 किलोमीटर चलना पड़ता है। भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती जा रही है आज, क्योंकि ये करूले पे हूँ मैं अभी और ईदगाह की तरफ जा रहा हूँ मुरादाबाद शहर। तो भीड़ अभी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। इस तरफ आ गया हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ चल रही है। ईदगाह में जब पहुँचूँगा, मुझे तो ये लगता है कि मैं इस बार भी अंदर हो पाऊँगा। वैसे बाहर सड़कों पर मना की गई है नमाज, तो रुकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मैं 1 घंटे पहले निकला हूँ घर से। हो सकता है मैं कंप्लीट कर पाऊँ नमाज अंदर ही। हाय, चलो चलते हैं। और मैं अगली बार आगे की तरफ से लूँगा, बहुत अच्छा आएगा। चलते हैं। इस वक्त मैं फाटक पे पहुंच गया हूँ, खटगढ़ थाना की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ। तो अब यहाँ से फाटक से मैं पुल पे चाह रहा हूँ, देखते रहिए कैसे कैसे चलते हैं। ये करबला है यहाँ पर मुरादाबाद शहर करूले का।
यहाँ की वीडियो बनाते बनाते मैं चल ही जा रहा हूँ और जहाँ से भड़ रही है भीड़ दिखती जा रही है। वैसे हम पहली जो रकात होगी नमाज की उसी में हमें शामिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई मैं पुल के ना ऊपर की साइड में आ गया हूँ मैं, तो भीड़ तो देख ही रहे हैं आप पीछे कैसे कितनी ज़्यादा हो रही है। और आगे आगे मैं जैसे जैसे जाते रहूँगा ना तो वैसे वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी। चलो मिलते हैं। अभी तो 7:30 ही बजे हैं और भीड़ देख रहे हैं आप। 8 बजे पहली जमात होगी, दूसरी जमात में कौन आएगा? मैं सोच रहा हूँ कि ना सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में कभी ये ना कहो कि क्या नाम है, वैसे भी 3 नमाज होगी बस और उसके बाद दूसरी रकात में नमाज आएंगे क्योंकि सड़क पर भीड़ बढ़ गई। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी चलूँ और मेरी तो फुल वीडियो तो कुछ बनी नहीं रही, तो मैं खुद अपने आप को ऐसे मतलब चलते हैं 2024। तो मैं संभल चौराहे पे आ गया हूँ, भगत सिंह चौक बोला जाता है। ये दिल्ली रोड जा रहा है रामपुर रोड। तो वहीं से मैं पहुंच गया हूँ ईदगाह पे, ईदगाह के रास्ते पे ही चल रहा हूँ। उसके बाद मैं अभी धीरे धीरे पहुंच जाऊँगा, हो सकता है मैं अंदर ही पढ़ पाऊँ नमाज। वैसे बहुत बड़ा मैदान है लेकिन मैदान होने की वजह से सड़क पे भी आ जाती है। वैसे साफ़ सफाई तो लगी रही है रास्ते पे और कोई नहीं, मिलते हैं चलते ही रहेंगे। वैसे वो लोग बहुत बड़ा आएगा, पता नहीं चलता है। 2-3 किलोमीटर का रास्ता हम पैदल ही तय कर लेते हैं। Thank you.
फाइनली मैं अभी सड़क पे तो आया नहीं हूँ कि सड़क पे मैं नमाज़ पढ़ पाऊँ, लेकिन अंदर तो चला ही गया हूँ ना। आ रहा हूँ, देखते रहिए। ये भीड़ चलती रहेगी ऐसे ही, और मैं चलता हूँ एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री करने के लिए भी भीड़, उधर से भी भीड़ चल रही है, एंट्री उधर से भी है। एंट्री हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वैसे देखते हैं कैसे कैसे पोस्ट। भाई एंट्री हो रही है और यहाँ पर तो पहले से बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर गया हूँ, मैं पीछे तो बैठूंगा नहीं, लेकिन मैं अंदर ही जाऊंगा और अंदर जाते जाते मैं सबसे आगे जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं पीछे अगर बैठ गया तो यहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा ना पूरी, बात ये है। और मेरे देखिए कितने यहाँ पर सब मैदान बहुत बड़ा है, और इस मैदान में आप देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ना आप। और ये बहुत दूर तक बैठे हुए हैं, क्योंकि ये ना ये ना यहाँ पर कितनी दूर तक पूरे एकदम। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उनके ऊपर कोई पहले जमात है, कोई दुख और तकलीफ आती 9 बजे कोई रंग और फिक्र होती, कोई बड़ा मसला पेश आता, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताला के सामने रो गिड़गिड़ाओ और अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुनाहों की माफी मांगो। हमें और आपको अपने मसाइल, हमें और आपको अपनी शिकायतें, हमें और आपको अपने मामलात अल्लाह। तो भाई मैं वहाँ पर चलता हूँ आगे की तरफ, क्योंकि ये भीड़ ऐसी चलती रहेगी और जगह जगह है, सब लोग छाए में बैठे हैं, पेड़ भी आज करीब अल्लाह रब्बुल इज्जत के सजदे की हालत में होता है। अगर हमें अपने मसाइल हल करने तो हमें सजदे में जाना होगा। देखो भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि ऊपर तो सब लोग देखो भर गए हैं, ठीक है, और वैसे भी इधर देखो पूरे मैदान में सब लोग भरे हुए हैं और सब लोग बहुत ज़्यादातर छाए में बैठे हैं, और वैसे टाइम पे आ गया हूँ मैं तो। सब लोग देखो सब लोग ना बैठे हुए हैं, और ऊपर देखो सब ऊपर जो है वहाँ पर सब लोग ना भरे हुए हैं। तो मैं यहीं पर ही हूँ और मैं भी यहीं पर बैठने की कोशिश करूँगा, उसके बाद नमाज होगी और फिर दूसरी 9 बजे जो होगी नमाज उसमें मैं तो नहीं, मैं पहले ही आ गया हूँ, वैसे छाया तो मिल ही रही है, और उसके बाद मैं आगे ही सोचता हूँ यहीं बैठूँगा थोड़ी देर। अभी तक मैं यहीं पर ही हूँ, फिर जमात नमाज होगी पूरी, और उसके बाद अभी तक जब तक नमाज नहीं होती है तब तक तो वैसे तो बहुत ज़्यादा खाली है, और मैं